एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ, तो कल आए थे दीदी और यहाँ पे रितु आंटी की शॉप पे। तो कलकत्ता जाने के लिए हमने स्टार्टिंग कर दी है शॉपिंग के लिए। तो जिस दिन हमारी पूजा होगी उस दिन के लिए हमने ब्लैक सबने कपड़े सिलवाए हैं आंटी से, तो उसी के लिए कल दीदी और आए थे अपना डिज़ाइन देने के लिए। और कल डिज़ाइन दे के चले गए हैं और आज हम आए हैं अपना अपना नाप देने के लिए। तो सब आज आए हैं और कल से, गाइस मेरे ना कल से नहीं, दो दो तीन दिन से मेरे सर में इतना दर्द है ना, इतना दर्द है मैं बता नहीं सकती। सर में दर्द है और ये जो बैक पेन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे भी कर रही हूँ ना हल्का सा, तो बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। कल भी दो दिन से पेन किलर खा रही हूँ। जब तक पेन किलर का असर रहता है तो ठीक रहता है, वरना फिर उसके बाद वापस से स्टार्ट हो जाता है। अभी भी मैं मम्मी और को यही बोल रही थी कि मुझे घर पे छोड़ जाओ, मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। सच में पता नहीं नींद पूरी नहीं हो रही है या फिर क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सच में, अभी भी हो रहा है। और एक तो ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि हम घर से 6:30 बजे निकले हैं और अभी बज रहे 7:15, तो अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। रिक्शे में आए हैं, ऐसे गरम गरम लू लग रही थी। तो अभी ना आंटी की शॉप पे तो हम आ चुके हैं, पर आंटी अभी डॉक्टर के गई हुई हैं। तो जो आंटी बैठी हुई हैं अंदर, उन्होंने बोला कि 10 मिनट वेट करो, तो हम वेट कर रहे हैं तब तक अंदर बैठे हैं। तो मैंने सोचा कि आज हमने ब्लॉग नहीं बनाया, मतलब घर से स्टार्ट नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहीं पे ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। पर ना मेरे सर में भी इतना दर्द हो रहा है कि मेरा ब्लॉग बनाने तक का भी मन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है सच में। सर में भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है और गले में भी हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ना। आज यहाँ इसलिए आए हैं, जैसे कि अभी पहले बताया मैंने, हमारी कलकत्ता में पूजा होगी तो उसी के लिए हमने ब्लैक कलर के कपड़े सबने सिलवाए हैं। सबने मतलब मम्मी, मैं, दीदी, नैना और कौन बचा, भाभी, हम 4-5 लोगों ने जो है सूट सिलवाया है सेम। बस डिजाइन डिजाइन हमारा है, दीदी का है और कॉटन का फैब्रिक है जो कि हम रितु आंटी से बनवा रहे हैं। तो अभी आंटी आती है तो हम आपको दिखाते हैं, आंटी से मिलवाते हैं। और काफ़ी लोग आंटी को जो है जानते होंगे और जो नहीं जानता वो हम अभी आपको मिलवाते हैं। तो अभी थोड़ी देर में मिलेंगे, बाकी सर दर्द तो है ही 2-3 दिनों से। अब रितु आंटी की शॉप पर आए हैं। इस शॉप का नाम अनमोल है और जैसे कि आप सबको पता है हमारी पार्टी में ड्रेसेस सब आंटी के यहाँ की होती है। और यहाँ हाय कर दो आंटी, दीदी आप भी। तो आप सब हमें कमेंट में पूछते ना कि आपकी ये प्रीटी प्रीटी ड्रेस कहाँ की होती है। ये आंटी की होती है अनमोल नाम से, और इनकी शॉप हम आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे कहाँ पर है। श्वेता नाप देने आई है, हम कलकत्ते के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट सूट बनवाने आंटी के पास ही आई है। ब्लैक कलर की थीम है हमारी, जिस दिन हमारी पूजा होगी उस दिन हमारे ब्लैक कलर के सूट बनवाए हैं हमने आंटी से। तो हम आपको दिखाएंगे कलकत्ता जाके कि हमारी ड्रेसेस कितनी प्यारी। हम आंटी पे ना आँख मीच के बताते हैं, बोल देते हैं आंटी आप बना देना, तो आंटी कहने का मौका ही नहीं देती है कि वो बेकार है क्या। आंटी देखते हैं, थैंक यू सो मच इतना विश्वास करने के लिए। नहीं आंटी, विश्वास वाली बात आप कर जाते हो इसीलिए। तो श्वेता नाप दे रही है, मैं और भाभी कल दे गए थे और अभी मम्मी भी देगी और नैना कल आएगी बुआ के साथ। मम्मी नाप दे रही है, मेरी रिक्शा तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो मम्मी और खाने लग गए यहाँ पे गोलगप्पे। तो गोलगप्पे और दीदी खा रहे टिक्की। छोटे गोलगप्पे। हम पार्क में आए थे जैसे कि और पंच पर क्या हुआ, झूल रहे थे और एग्जैक्टली ना पंचे के साथ एक हादसा हो गया।
पंची के साथ इस झूले पे एक वारदात हो गई। कन्नो कन्नो दीदी दीदी बड़ी दीदी एंजल के साथ वारदात हो गई और गिर गई है और दीदी से लेके जा रही है। आई होप सो कि ये ठीक रहे अच्छी रहे अपने घर में खुश। ओ गॉड क्या हुआ उसके साथ। हाँ ये तो सही। सुबह के 5 बज गए हैं और लाइट हमारे घर पे आज जो है बार बार आ रही है जा रही है। बस थोड़े से ही ठंडे हुए थे इसी में लाइट जा चुकी है। सबसे लाइट गई क्या? हाँ।